और एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसने कहा मैं टूट के चाहती हूँ तुम्हें, उसने कहा तो मैं भी आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, तो उसने कहा कि मेरा जी चाहता है कि हम कभी भी जुदा ना हो, उसने कहा कि मेरा भी यही जी चाहता है, उसने कहा फिर नमाज पढ़ा कर, अगर नमाज नहीं पढ़ेगी तो तू जहन्नम में होगी, मैं जन्नत में होऊंगा, इसलिए अगर हम इकट्ठे रहना चाहते हैं तो फिर हमें नमाज पढ़नी होगी। तो उसका जी चाहा, प्यार तो ये है ना कि मेरी बीवी कहीं महरूम ना रह जाए, तो वो चुल्लू में थोड़ा सा पानी वजू के बाद ले आया और अपनी बीवी के चेहरे पे छिड़क दिया और खुद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगा। अभी जल्दी से उठी, उसने वजू किया और शोहर के करीब ही मुसल्ला बिछा लिया। तो जब दोनों नमाज पढ़ रहे होते हैं, हदीस में आता है दोनों को देख के रब मुस्करा रहा होता है। और एक शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि तू मुझसे प्यार करती हो, उसने कहा मैं टूट के चाहती हूँ तुम्हें, उसने कहा तो मैं भी आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, उसने कहा कि मेरा जी चाहता है कि हम कभी भी जुदा ना हो, उसने कहा कि मेरा भी यही जी चाहता है, उसने कहा फिर नमाज पढ़ा कर, अगर नमाज नहीं पढ़ेगी तो तू जहन्नम में होगी, मैं जन्नत में होऊंगा, इसलिए अगर हम इकट्ठे रहना चाहते हैं तो फिर हमें नमाज पढ़नी होगी। तो उसका जी चाहा, प्यार तो ये है ना कि मेरी बीवी कहीं महरूम ना रह जाए, तो वो चुल्लू में थोड़ा सा पानी वजू के बाद ले आया और अपनी बीवी के चेहरे पे छिड़क दिया और खुद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगा। अभी जल्दी से उठी, उसने वजू किया और शोहर के करीब ही मुसल्ला बिछा लिया। तो जब दोनों नमाज पढ़ रहे होते हैं, हदीस में आता है दोनों को देख के रब मुस्करा रहा होता है।